What's up guys? आज हम देखने वाले हैं मस्त मजेदार मीम्स, वही होने वाले हैं मोए मोए शांति दूध मीम्स। रिजवान अहमद सर की बहुत ही गजब थग लाइफ होगी आज की वीडियो में, तो करते साथ में एंजॉय। अगर आप चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अरे अब्दुल ये क्या कर रहा है? रामनवमी की तैयारी। मतलब तू रामनवमी की यात्रा पत्थरबाजी करेगा? कोई शक है? फिर उसका अंजाम तुझे पता है ना क्या होगा? इधर देख। सीधी बात, सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय जगदम्बे। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगाइए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। Let's get started. साथियों, क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी आदमी ने अपने जूता उतारा हो, गीला करा और दे अपने मुंह पर मारा हो? नहीं सुना ना? तो ऐसा ही करा इंडिया अलायंस की टूलकिट के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता ध्रुव राठी ने। ये 60 किलो का चूजा बोलता है भारत में तो डिक्टेटरशिप है, भारत आता है इंडिया गेट पे घूमता है, जाहिलों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के साथ फोटो डालता है और वापस चला जाता है। अरे 60 किलो के चूजे तुलना करता है रशिया से और नॉर्थ कोरिया से। बेटा ये डिक्टेटरशिप होती ना तो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद कहाँ गायब हो जाता कि तेरी नीली टी शर्ट के धागे भी ना मिलते। अरे चूजे, तूने खुद ही साबित कर दिया कि तू इंडिया अलायंस के चलते भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। ये सच है कि भगवान शिव के बारे में जितना मैंने राहुल जी से सीखा है उतना किसी और से नहीं सीखा। भगवान शिव के बारे में जितना मैंने राहुल जी से सीखा है उतना किसी और से नहीं सीखा। अच्छा, पूजा इज फॉर व्हाट? राहुल ही वांटेड मी टू कम सो आई केम। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। सारे मीडिया कर्मी कल से अनाउंस करवा दीजिए कि यहाँ के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बजाय यहाँ पे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गारंटी के साथ दे रहा हूँ, 26 जो दल के नेता हैं ये यही कहने लगेंगे कि मोदी ही ठीक था योगी को रहने दो। दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस के नेता सबसे बड़े स्कैम है जिन्होंने 100, 50 या 1000 करोड़ में नहीं बल्कि लाखों करोड़ में अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले किए हैं। तो मुझे ये वीडियो मिला। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। इससे पता चलता है शिक्षा की इम्पोर्टेंस। फिर लगा कि ये आदमी सबसे बड़ा स्कैम है जिसे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हर पार्टी ने लिया, 2019 से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, फिर भी 1422 करोड़ के बॉन्ड भुना लिए, वही भारत का इसके लिए सबसे बड़ा स्कैम है। 2G कोयला स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड, टाटा ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श घोटाला, कैश फॉर वोट, JNK क्रिकेट एसोसिएशन, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास, पिलेटस ट्रेनर, एयरक्राफ्ट घोटाला आदि, तो लाखों करोड़ में वो स्कैम नहीं है। ये बेचारा कब से हरा पर्दा लगाकर टाइट टी-शर्ट पहन के बताना चाह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि पूरा 12,769 करोड़ का है वो सबसे बड़ा घोटाला है, जबकि केवल कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़। कोविड के केरल मॉडल पे किताब लिख दी थी और सबसे अधिक केस वहीं से आ रहे थे। इसने लव जिहाद पर केवल 3 केस को सही माना जबकि कोर्ट एवं मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और कहते हैं। राफेल पे इसने 8 मिनट में 7 झूठ बोले और डिक्टेटर वाले वीडियो का तो क्या ही कहना, 10 झूठ दना दन। इसकी प्रपंच का सबसे निकटतम मूर्ख समकक्ष राहुल गांधी ही है। यदि आप राठी के वीडियो देखकर सोचते हैं कि आप फैक्ट देख रहे हैं तो देखते रहिए। हमें मस्तिष्क गिरवी रखकर कुरकुरे खाने वालों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। धन्यवाद। हम घूम रहे हैं ना तो केजरीवाल के जैसे घूम रहे हैं ना कि मोदी। एक मिनट, आपका नाम क्या है सर? मैं नाम आपका था। 10 सालों में जो बीजेपी की सरकार रही है कुछ काम नहीं हुआ? जैसे जितने उन्होंने दावे करे वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या दावे किए थे जो पूरे नहीं हुए? नौकरी देने वाले हैं काफी,
और सबको साथ लेके चलने वाले हैं, बहुत सारे हैं। गलती तो आपका है, आफ्ताब और अब्दुल से पूछ रही है बीजेपी काम किया है कि नहीं किया है। हम तेरा हमारे 70 सर के आदमी ईंटों पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक भी, मरने के बाद भी चाहिए इनको 72, और तब बोलेंगे मोदी जी रोजगार दीजिए। भाई आप अगर गरीब घर में पैदा हुए तो आपका गलती, आप अडानी के घर में पैदा हो जाते हैं। केजरीवाल जी ने काम किया, केजरीवाल पिंक ठेका खुलवाया, केजरीवाल एक पैक दारू दिया, केजरीवाल मौलाना को सैलरी देता है, केजरीवाल 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया, तो केजरीवाल को चाहेंगे नहीं? नाम है आफ्ताब, अब हमसे पूछिए हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई हमसे पूछिए। साल बटे बोर्ड दिए कर्मियाद मोदी पहले संग छो संग बीजेपी हुआ जी, तो वो जीता अर्थात अब मोदी हुएगा, अब हम लोग जीतो, पर हार मान था हम जो भर पे नहीं हो जो जी 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 सब मर जाये। तो मोदी जी मतलब इन क्या तुम रही जन मोदी पर मैती थी, तो मतलब एक कारण मतलब क्या छो घर घर में बल जाला पानी पहुंचा कुछ वो दी छो जी जी, और तब वो राशन पानी जब लॉकडाउन लागा तब गरीब से गरीब राशन पर जी लटिया एक गुण से सही जो इंसान ने बोल तो वो ने भाचल गुण वो हमारे मुख्यमंत्री के उन जैसे जी तब मैं तो वो चलू पैंट पे उनसे मेरा पर मैं से अच्छा मैं ये समझो मैं तो हुई मेरा भाई हुई बाहर से मोदी ने तो बहुत टकरो दिया हम आप तो बोरिंग बात बोले ना रोल रोल हम से बेटा हम को जुड़ो दोनों को मुनो दोनों को लुको घर में मैं घर में तो क्या पर मुए देता हम कब न हारण जो कोई कितना कोशिश भी करल पर मुए दे देता हूँ पक्का पक्का का मुए दिला जीत कर रहा हूँ। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। ये तो सही कहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे तो वो भी गड़बड़, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं? बिल्कुल सही बोला। कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे, ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। अगर सुरक्षित रहना है, जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योगी मोदी आए थे और डंके की चोट पर कह रहे वो हमेशा आएंगे, और जब तक वो है तब तक बहन बेटी भी सुरक्षित है, हमारा भारत देश भी सुरक्षित है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद। अरे जोर से बोलो भाई, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के भाषण किया लेकिन आप वो बोल रहे, वो बोल रहे, जय हिंद जय हिंद। अरे जोर से बोलो जय हिंद। अरे क्या मेरे जैसे 82 साल के आदमी के पास इतनी आवाज है, मेरे से 3 पट होना चाहिए। जय हिंद। नॉट बैड, नॉट बैड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरे काम मैंने ग्रिल दिखाई थी। मैं एक चीज बोलूंगा, जय हिंद जब बोला ना तो भाई देखो सबको बोलना चाहिए था, पहली बात तो जय हिंद, लेकिन मुझे लगता है कि वो भाषण ही नहीं सुन रहे थे लोग, इंटरेस्टेड ही नहीं थे, और जबकि मोदी जी जब बोलते हैं बातें सुनते हैं तभी वो जय हिंद बोला, तो सबको एकदम से सुनाई दिया और सबने रिप्लाई किया, उनके भाषण पे ही लोग ध्यान नहीं देते तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि क्या बोल रहे। हाँ वो वाली बात तो सकती है। बाकी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भाई देखो डिक्टेटरशिप जिसको लगती है, किसी को भी लगती है इस देश में भैया, वो तुम्हें लगती है बस, ठीक है। सच्चाई ये है कि विकल्प जब अंडर परफॉर्म करे, विकल्प में विकल्प ही ना बचे तो फिर वो दूसरी पार्टी जब मेजोरिटी जीतती है तो लोग ढूंढते मौका, ये कितने घोटाले हुए, लाखों करोड़ों के घोटाले हुए, उन पर किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, और आज के टाइम पर जब बहुमत से दिख रहा है और दूसरी पार्टी को, मैं इतना कहता हूं कांग्रेस एग्जांपल, कांग्रेस को लोग कहते हैं इसको सपोर्ट करो बीजेपी को मत करो, मैं कर लो चलो कर लो एक बार, लेकिन जब
मैं कर लूंगा, ये कर लेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखते हो लोग यार करना ही नहीं चाहते सपोर्ट, तो डिक्टेटरशिप का नाम दे दिया। अगर अगर कांग्रेस अगर जीत रही होती तो कहीं कोई मुद्दा नहीं उठाता इस चीज के ऊपर। आज बस ये सोचा जा रहा है किसी भी तरीके से मोदी को किसी भी तरीके से घेर के बस ऐसी इमेज पोर्ट्रे कर दो कि वोट बैंक कुछ तो इस साइड आ जाए, कुछ भी कर लो जिनने मन बना लिया, क्योंकि दूसरे में क्षमता तो दिखे हमें, हमें कैपेबिलिटी तो दिखे दूसरी पार्टी में, हमें दिखती नहीं है, वो पार्टी मिली जुली बना रही है और जो पार्टियां मिलकर बना रही है, हमें तो जो एक प्रॉपर पार्टी थी पार्टी है जो एक प्रॉपर वो अलायंस कर रही है, हमें जब उस पार्टी पे विश्वास नहीं है तो उसके साथ जो आ रहे हैं उनको तो भैया आधी दुनिया जानती भी नहीं होगी, क्योंकि वो रीजनल पार्टी के आ रहे हैं लोग, इतने बड़े लेवल की पार्टी को जब आपस में नहीं बन रही, इतनी बड़ी लेवल की पार्टी कांग्रेस उसमें जब लोग विश्वास नहीं दिखा रहे अपना, तो जिनके आते गठबंधन कर रहे हैं रीजनल पार्टीज का, कौन पूछ रहा भैया? मेरे हिसाब से मैं नहीं हूं इंटरेस्टेड, मैं डेवलपमेंट के साथ और मैं विश्वास के साथ जाना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि देखो सभी पार्टियां बना रही, बीजेपी ने भी मीम बनाया अपने उस पोर्टल पे, सब बना रहे मीम, ठीक है बनाओ, लेकिन मुझे लगता है कितना भी आप प्रोपेगेंडा कर लो, जिसको वो आज आप देखोगे ना कमेंट्स, तो वही लोग उन वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, जिनका मन पहले से ये कि इनको लाना नहीं है, तो उनको ठीक कितना ही वो कितना कर लो, कितना बोल लो, कितना बता लो, लेकिन मुझे सच्चाई लगती है भैया जो काम कर रहा है वो लोगों को दिख रहा है। और दूसरी तरफ ओपोजिशन में जब हमें विश्वास दिखेगा ना, विश्वास वाली बात, मोदी जी आए क्यों थे और दोबारा क्यों आए थे? लोगों को में विश्वास था कि इन्होंने करके दिखाया और ये कर रहे हैं। योगी दोबारा क्यों आए वहां पर यूपी में? क्योंकि लोगों का विश्वास था, विश्वास जीता, दिल जीता, काम देखा लोगों ने कि यहाँ पे हम बीजेपी के हर एक उसको नहीं भैया नहीं या हर एक उसको, मैं यूपी से हूँ और मैंने मतलब काम देखा है, यहाँ वोट डालता हूँ ना मैं, तो मैं बीजेपी को भी वोट दे रहा हूँ, मैं मोदी के नाम पे वोट दे रहा हूँ, जिस दिन योगी खड़े होंगे तो मैं उनके नाम पे काम देखा है, ये चीज देख के ना कि अंधभक्त बन के भैया ना बीजेपी को दे, अरे कांग्रेस को बता दो किसके नाम पे दूं वोट, किसके नाम पे दूं वोट, आप अगर सोचते हो इसके नाम पे दे रहे ठीक है दो, लेकिन मेरा विश्वास एक एज अ वोटर अगर मैं हूं, एज अ वोटर कोई और है, तो जो भी अपना वोट कास्ट करता है वो उसी को देता है जिसमें उसको विश्वास दिखता है। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मुझे नहीं पता भैया मैं किसको वोट दूं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मोदी जी को वोट दे रहा हूं तो मुझे उनमें कोई क्षमता दिख रही होगी। एग्जाम्पल ये राहुल गांधी के लिए वोट करती है कांग्रेस के लिए, तो ये पर्टिकुलर किसी उसकी वजह से दे रही हो ना, किसी फेस की वजह से, या फिर मान लो कि कोई कहते जी ये कांग्रेस पार्टी को देना है, हमें नहीं पता इस बारे में कुछ भी, तो आपको सोच के करना पड़ता है हमेशा। आप सोचते हो आपका एक विश्वास होता है किसी भी चीज में, यही चीज होती है। अभी मान लो आईपीएल में 8-10 जितनी भी टीम होती है उस में आप किसी टीम को सपोर्ट करते हो, एग्जांपल आरसीबी, हम बैंगलोर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन बैंगलोर का मैच हो रहा हम सपोर्ट करेंगे, क्यों? एक कोहली फेस वैल्यू हो गया। अब हैदराबाद का मैच है कोई इंटरेस्ट नहीं हमें, एग्जांपल क्यों? हमारे दूर दूर तक कोई वैसा कोई फेवरेट प्लेयर नहीं, कुछ नहीं है। दिल्ली दिल्ली आते हैं एक ऋषभ पंत से इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, तो एक वो चीज आ जाती है। सीएसके ओ भाई थाला फॉर रीजन, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुंबई इंडियंस, मुंबई भाई बचपन में मैं तो इतना सा था तब गया था मुंबई, लेकिन वो फैन बेस या फिर एक फेस वैल्यू, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अभिषेक कर सकते, तो मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।